गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 17,364 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से मौत का आंकड़ा आज भी 300 के पार जा रहा है। जहां कोरोना की वजह से 332 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 20,160 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए। दिल्ली में अब तक 12,03,253 मरीज ठीक हो चुके हैं और दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी गिरावट देखी गई है, जहां संक्रमण दर 23.34% रहा। ऐसे लोगों को देखकर शर्मिंदगी होती है जो लोग इंसान होकर भी महामारी के इस तरह मुनाफाखोरी में गिद्द बने हुए हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सच ये है कि कोरोना से जुड़ी हर दवा, हर इंजेक्शन, मेडिकल संसाधन और छोटी बड़ी चीजें सबकी सप्लाई चेन में रुकावट डाली गई हैं। ये कोरोना वायरस जीवी गिद्दों की साजिश है जो कालाबाजारी की सबसे बड़ी चेन बनकर बैठे हैं। जहां जहां कोरोना के मरीज हैं, वहां वहां उन्हें लूटने वाले गिद्ध आपको मिल जाएंगे। ये गिद्ध इतने शातिर हैं कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वहीं पुलिस से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब में मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वाले गिद्धों का ऐसा ही एक वीडियो वायरल है। पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा डैम की नहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जैसे बाढ़ आ गई। नदी के पानी में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहा दिए गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि एक एक रेमडेसिविर के लिए देश में कोरोना मरीज दिन रात तड़प रहे हैं। एक एक इंजेक्शन के लिए उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं। रोपड़ जिले के सलेमपुर में कुछ लोगों ने जब नदी में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहते हुए देखे तो फौरन पुलिस को सूचना दी, साथ ही वीडियो भी बनाया। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में नदी में बहते रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक कालाबाजारियों ने इनकी जमाखोरी की होगी। बाद में जब रेमडेसिविर बेचने को लेकर प्रशासन की सख्ती बढ़ी तो कार्रवाई से बचने के लिए इन्हें नदी में बहा दिया। पुलिस ने नदी से बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन जांच के लिए भेज दिए ताकि पता लगाया जा सके कि ये असली हैं या नकली। इंजेक्शन की पैकिंग वाले बैच नंबर से ये मालूम करने की कोशिश हो रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर कहां से आए और किसने इनकी जमाखोरी की। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ते ही कालाबाजारी करने वाले गिद्धों ने न केवल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन बल्कि ऑक्सीजन लेवल बताने वाले ऑक्सीमीटर की भी जमाखोरी शुरू कर दी। इसलिए दवा की दुकानों पर ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के पीछे गोल मार्केट में, जहां पर कुछ सीरीज में आपको केमिस्ट शॉप्स नजर आएंगी। आज इन शॉप्स में चलते हैं और पूछते हैं कि क्या ऑक्सीमीटर की अवेलेबिलिटी यहां पर है, और अगर है तो उनकी कीमत फिलहाल इन शॉप्स में क्या है। आइए। मेडिकल स्टोर वालों ने न्यूज 18 की टीम को बताया कि कैसे दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होते ही जमाखोरों ने कालाबाजारी के लिए ऑक्सीमीटर की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया। इसी का नतीजा है कि जो ऑक्सीमीटर फरवरी तक 800 रुपए का मिल रहा था, अब वही 3,000 रुपए में मिल रहा है। ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर क्या है अभी रेट क्या चल रहा है सर? नहीं बस प्राइस बता दीजिए। प्राइस में उसका 4900 है। अच्छा, 3900 विद बिल? प्राइस एमआरपी 3000 का देते हैं। अच्छा, तो ये आप विद बिल के साथ ही देते हैं? जी मैम। दिल्ली में ऑक्सीमीटर की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर न्यूज 18 को एक और हैरान करने वाला सच पता लगा है। दवा दुकानदारों के मुताबिक हम मार्केट में ब्रांडेड ऑक्सीमीटर के बजाय चाइनीज और नकली ऑक्सीमीटर भी 1.5 से 2,000 रुपए में बिक रहे हैं। ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है। फ्रंट पे भी इसमें कोई वो नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, ये जिस तरीके ये आप बता रहे कि ये आप बेचते हैं, पर ये जो नॉन ब्रांडेड है, और ये कितने रुपए तक के बाहर बिकते होंगे अभी? इसका अब ये हर किसी की अपनी हुआ है। 900 का, 1000 का, 1100 का, 1200 का, यही इसी गैपिंग में है। 1200, 1300,
1900 इस रेट की आएगी। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ जो प्रियांश मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि जब आप अभी दाम जो है वो पीछे से बढ़कर आ रहे हैं क्योंकि शॉर्टेजेस हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर आप पैसे देकर ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं और इतना पैसा देकर खरीद रहे हैं तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें कि जो ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं उसके पीछे बारकोड हो, ब्रांड का नाम हो, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपने सही चीज खरीदी है। बिल जरूर लें क्योंकि गारंटी वारंटी का जो भी चक्कर होता है वो बिल के साथ ही सॉल्व होता है, और ऐसे में जो घटिया ऑक्सीमीटर है उन पर पैसे ना लगाएं, क्योंकि आप पैसे भी लगाएंगे रीडिंग्स भी गलत आएगी, उससे आपके लिए कोई फायदा नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट कनॉट प्लेस में मेडिकल स्टोर्स पर ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत। दिन रात लोग ऑक्सीजन का लेवल चेक करने वाले ऑक्सीमीटर की तलाश में भटक रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जायजा लेंगे कि ऑक्सीमीटर की क्या स्थिति है, मेडिकल शॉप में कितने में बेचा जा रहा है, पहले से क्या अधिक दाम में बेचा जा रहा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो दिन रात ऑक्सीमीटर या बाकी दवाइयाँ मेडिकल सामग्रियाँ बेचते हैं। आपका नाम? ऋषभ। ये बताइए कि ऑक्सीमीटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हाँ जी सर। आपके शॉप में रोज कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीमीटर लेने आते हैं? कीमत में कितना फर्क आया है, क्योंकि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी भी हो रही है, इसके अलावा आपके पास कितना मौजूद है? सर अभी तो बहुत ऑक्सीमीटर की डिमांड है, अभी तो आ भी नहीं रहे हैं पीछे से, और हर रोज कस्टमर आते हैं, उनको हम पूरा मतलब नहीं कर पाते। दुकानदारों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ गई, जिसके बाद सप्लाई चेन बिगड़ गई। इसकी वजह से 1000 वाला ऑक्सीमीटर 2200 रुपए में बिक रहा है। लेकिन इसकी कीमत में क्या फर्क आया? सर ये पहले 1000-1200 तक का बेचते थे, अब यही ऑक्सीमीटर 2200 रुपए का मिलता है, और वो भी पूरे कस्टमर्स कहते हैं कि जितने का भी आप दो। और आप लोग भी इसे बेचते हैं तो जो फर्क आया है ये बताइए, क्या हर कंपनी की कीमतों में फर्क आया है? पहले की कीमत और अभी की कीमत में फर्क क्या आया है ऑक्सीमीटर के? पहले की कीमतों से अब की कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले की हर कंपनी का अलग अलग रेट आता था, बट आज की डेट में कंपनी सेम रेट के अकॉर्डिंग चल रही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट ये है कि मिल जाता वही बहुत बड़ी बात है। कस्टमर सिस्टम बहुत डिमांड में है। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही लोग ऑक्सीमीटर खरीदने लगते हैं। हड़बड़ी में लोग परिवार में जितने लोग पॉजिटिव हैं उन सब के लिए ऑक्सीमीटर खरीद कर ले जा रहे हैं। ऐसे में डिमांड बहुत बढ़ गई है और मुनाफाखोर इनकी कालाबाजारी के लिए सप्लाई चेन में अलग अलग तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोविड से जुड़े इस दौर में उससे जुड़े उपकरण और इलाज करने के लिए जो दवाइयां हैं उनके दाम बहुत ज्यादा है। एक शख्स है हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी इस वक्त ऑक्सीमीटर लिया है, और जो ऑक्सीमीटर पहले 800 से 1000 का था वो उन्होंने इस वक्त करीब 2500 का लिया। हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी क्या लिया है आपने? ऑक्सीमीटर पूरी आपने क्या पूछा कितने में लिया? 2500। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने डिमांड और सप्लाई के सभी पैमानों को ध्वस्त कर दिया है। मुनाफाखोर इन्हीं हालात का फायदा उठा रहे हैं। 2 महीने पहले तक 800 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर अब खुलेआम 2500 रुपए में बिक रहा है। 5000 मिलेगा, 5000 लेना पड़ेगा आदमी को जान बचाने के लिए। 5000-10000 मिलेगा, लेना पड़ेगा, गरीब आदमी मर जाएगा, क्षमता नहीं गरीब आदमी खरीदने की, वो 10000 भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इस तरीके से लोग हैं जो इस महंगे दामों में ले रहे हैं उपकरण, ऑक्सीमीटर्स या फिर नेबुलाइजर्स या फिर उससे जुड़े सामान है। ये दौर है, चल रहा है, और कुल मिलाकर परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है जो इसको खरीदने वाले लोग हैं। यूपी के गाजियाबाद में भी कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी का पर्दाफाश हुआ है। कोतवाली इलाके में पुलिस टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 गिद्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की जमाखोरी करके उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। एक फ्लो मीटर जिसकी कीमत 1 से 1500 रुपए होती है उसके लिए 4000 रुपए तक वसूलते थे। इन गिद्धों के कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 1 लाख रुपए कैश और 1 इको स्पोर्ट कार बरामद की गई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों ने सबको बेहाल कर रखा है, लेकिन मरीजों की जान बचाने में काम आने वाली दवाओं की कालाबाजारी भी चरम पर है।
नासिक में पुलिस ने दो ऐसे गिद्धों को गिरफ्तार किया है जो 40,000 रुपए का इंजेक्शन 4-4 लाख रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने कोरोना मरीजों की जरूरत वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे इन गिद्धों से कई इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस को गिद्धों के गैंग से जुड़े बाकी लोगों की तलाश है। न्यूज 18 ने ठाना है हर गिद्ध को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है, क्योंकि हम ऐसे कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों को देश में कोरोना मरीजों का दर्द नहीं बढ़ाने देंगे। आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा ने दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलने की बात कही। राघव चड्ढा के मुताबिक 7 मई को दिल्ली को 488 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 30% कम है। इस बीच राघव चड्ढा ने केंद्र से दिल्ली को हर रोज 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देने की मांग की। मैं एक बार हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि केवल एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में 7 दिन अगर आप 700 मेट्रिक टन, कम से कम 700 मेट्रिक टन हमें मुहैया कराते हैं, तो ही दिल्ली के अस्पतालों में जितने बेड्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी। ये जो ऑक्सीजन सप्लाई आपने करनी है, ये एक व्यवस्थित तरीके से, नियमित तरीके से, एक सर्टनिटी रेगुलैरिटी के साथ, निरंतर रूप से आप करें, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं।